हाय एवरीवन दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम किया, मैं इसे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और इसमें मैंने जीरा, तेजपत्ता और दो लहसुन डाल दिया है। इन सभी को बढ़िया से भूज लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज के प्याज को बढ़िया से काट लिया था, और इसे भी डाल दूँगी। इसे हम बढ़िया सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया था, ये भी डाल दूँगी। और इन सभी को बढ़िया से मिक्स करके भून लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे अदरक लहसुन सबको भून लिया है बढ़िया से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चिकन डाल दूँगी। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था अदरक लहसुन मिर्ची हल्दी से, और थोड़ा सा नमक डाल के चिकन को डाल के इस वक्त गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और उसके बाद इन सभी को बढ़िया से मिक्स करके हम तब तक भूनेंगे जब तक कि चिकन में से तेल ना छोड़ दें। इसे हम ढक देंगे, पाँच मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे 5 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए भून लिया। तो चिकन हमारी अच्छे से भुना चुकी है और ये तेल भी छोड़ दी है। तो अब हम इसी स्टेज पर क्या करेंगे, मसाले डाल देंगे। तो मसाले मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला पाउडर लिया, और कुछ भी नहीं लिया है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है। इन सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसमें। और मसाले को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले भुना के तेल रिलीज ना कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसमें मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। तो ये मसाले हमारे भुना के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज की कटी हुई टमाटर डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। इन सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे टमाटर नमक को मिक्स कर लिया और 5 मिनट तक इसे ढक करके बीच बीच में चलाते हुए पकने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक पकने दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, चिकन मसाला डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चिकन मसाला मैंने डाल दिया है, और ये हमारी चिकन मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और हमारा चिकन मसाला जो है बनके भी तैयार हो गया है, ये पक गया है बढ़िया से, देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग ज़रूर इस तरीके से बना के खाएँ, और ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।